नमस्कार, आप देख रहे हैं NDTV हिंदी स्पेशल। मैं बात कर रही हूँ मृत्युंजय महापात्र से, डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। सर, थैंक यू सो मच हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपसे IMD की लेटेस्ट फॉरकास्ट के बारे में पूछना चाहूँगी। IMD की लेटेस्ट फॉरकास्ट जो कल आई थी, उसके अकॉर्डिंग साउथ वेस्ट मॉनसून्स की लैंडिंग केरला में May 31st को होने जा रही है। हम ऑलरेडी ये जान चुके हैं IMD की पिछले फॉरकास्ट से कि साउथ वेस्ट मॉनसून्स का फॉरकास्ट इस साल अबव नॉर्मल रेनफॉल का है, और उसके बाद ये केरला की लैंडिंग की न्यूज़। तो ऑल इन ऑल सब कुछ सही ट्रैक पर चल रहा है, दिस सीम्स टू बी गुड न्यूज एट दिस पॉइंट, वुड दैट बी राइट टू से? जी, आपने सही बताया। जैसे हमने पहले बताए थे कि साउथ ईस्ट मॉनसून इस बार देश में अच्छा ही रहेगा, और यूजुअली जितना बारिश होता है इसका 106% बारिश इस बार रिकॉर्ड होने का संभावना है, विथ मॉडरेट एरर प्लस माइनस 5% जून फर्स्ट से 30 सितंबर के बीच में। और फिर कल जो हमने पूर्वानुमान जारी किए हैं, जिसके हिसाब से 31st को मानसून केरल तट के पास पहुंचेगा, और यूजुअली 1st जून को पहुंचता है। इसका मतलब होता है कि इस बार मानसून भी नॉर्मली जैसे आता है ऐसे ही आने का संभावना है। सो ये अच्छी खबर है, और ये हमारे हाइड्रोलॉजी सेक्टर के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अच्छा ही होगा। बिल्कुल सर, पिछले साल हमने देखा था मॉनसून नॉर्मल था एट द एंड ऑफ द सीजन, बट उसके बावजूद भी विद इन ईच रीजन हमने थोड़ी डिस्पैरिटी देखी। जैसे कि साउथ इंडिया में मॉनसून कम गिरा था, और काफ़ी बाकी हिस्सों में मॉनसून या नॉर्मल और या फिर कई हिस्सों में अबव नॉर्मल था। इस साल आपको क्या लग रहा है डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, इस साल क्या डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बेहतर रहेगा पिछले साल से? आपने सही बताया। मैं आपको बोल के रखूं कि भारत एक महान देश है और बहुत बड़ा देश भी है, और इसीलिए जो इंडियन मॉनसून है वो सभी जगह सिमिलर नेचर पे नहीं होता है। कोई भी अच्छे साल हो कि बुरे साल हो, इक्वली सभी जगह में बारिश नहीं होता है। जैसे ही कुछ इलाका जैसे 10-20% एरिया ऐसे रह जाते हैं इवन एफ अच्छे मानसून ईयर में, जहाँ की डेफिशिएंट रेनफॉल हो सकता है। जी, तो कल जो लास्ट ईयर की बात आपने जो किया, ये लास्ट ईयर में 96% पूर्वानुमान था और 94.4% बारिश रिकॉर्ड किया गया। इसने बताया कि कुछ इलाके में डेफिशिएंट मॉनसून रेनफॉल भी रहा है और कुछ इलाके में एक्सेस रेनफॉल भी रिकॉर्ड किया गया। जी, पर आप इस साल का जो पूर्वानुमान है इसको कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर के कंपेरिजन पे, इस बार अच्छे रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन होने का संभावना है। फिर भी ऐसे कुछ एरिया है जहाँ की बारिश कम होने का भी हम पूर्वानुमान किए हैं। ये एरिया है असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा और एडजनिंग एरियाज ऑफ ग्रेटर वेस्ट बंगाल, झारखंड, जहाँ जितना बारिश होता है मानसून सीजन में वहाँ से कम बारिश होने का संभावना है। अदरवाइज नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया और वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, इसमें अच्छा बारिश होने का और साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में जिसने पिछले साल कम बारिश देखा था, इस साल साउथ इंडिया में भी आप नॉर्मल मॉनसून फोरकास्ट कर रहे हैं, राइट? जी जी, हम नॉर्मल से अबव नॉर्मल मॉनसून रेनफॉल प्रेडिक्ट कर रहे हैं साउथ इंडिया के लिए। ओके सर, मैं आपको हीट वेव्स के बारे में भी कुछ पूछना चाहूँगी। हमने अप्रैल में देखा है इंडिया के काफ़ी भागों में मैक्सिमम टेम्परेचर्स नॉर्मल से ज़्यादा अधिक थे, और मिनिमम टेम्परेचर्स भी, हीट वेव्स भी काफ़ी पार्ट्स ऑफ इंडिया में देखा गया, और मई में भी ये फोकस दिया जा रहा है कि हीट वेव्स अभी भी काफ़ी जगह पर दिखेंगे। तो उसके कारण आप क्या गाइडलाइंस दे रहे हैं लोकल गवर्नमेंट्स को? आज के दिन में आप देखें तो हीट वेव कंडीशंस देश में कहाँ ज़्यादा कुछ है ही नहीं, मगर हमारा जो पूर्वानुमान है 18 तारीख से एक हीट वेव स्पेल शुरू होगा, और ये हीट वेव स्पेल ज़्यादातर नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी राजस्थान, एडजेसेंट एरियाज ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, ये सब एरिया में देखने को मिलेगा। धीरे धीरे राजस्थान से शुरू होते हुए ये एक्सपांड करेगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक, और ये भी हो सकता है बिहार तक भी हम ये हीट वेव स्पेल देख सकते हैं। ये हीट वेव स्पेल 5 से 7 दिन तक रहने का हम पूर्वानुमान कर रहे हैं, और इसके साथ साथ मई का पहला हफ्ता में भी ईस्टर्न इंडिया में
और पेरेंट्स इंडिया में हीटवेव देखने को मिला था, वो इसके बाद थंडरस्टॉर्म की वजह से वहाँ टेम्परेचर अभी बिलो नॉर्मल है और धीरे धीरे फिर टेम्परेचर बढ़ेगा आफ्टर 5 डेज जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी धीरे धीरे कम होता रहेगा। सो हमारा जो पूर्वानुमान था इसी हिसाब से हम एक हीटवेव सीवियर हीटवेव स्पेल हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया और एडजनिंग नॉर्दर्न प्लेन्स में सेंट्रल इंडिया में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 18 तारीख से शुरू करते हुए। और इसको देखते हुए हम यही सतर्क सूचना जारी करते हैं क्योंकि आजकल हम इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट दे रहे हैं और इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट में जो इम्पैक्ट होने वाला है इसको हम निर्धारित किए हैं वेरियस स्टेट्स और नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी के साथ बातचीत करने के बाद एक गाइडलाइन पब्लिश हुआ है, वो गाइडलाइन हिसाब से हम इसका इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड और एक्शन सजेस्टेड जनरल पब्लिक के लिए डूज एंड डोंट्स एक्सेट्रा जारी करते हैं। और इसको आप देखेंगे सबसे बड़ी बात है कि जब कोई हीटर कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत में देखने को मिलता है, पहला तो बात होता है कि दिन का तापमान नॉर्मल से एटलीस्ट 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाता है, कभी कभी 45 डिग्री सेल्सियस और इससे ज्यादा टेम्परेचर भी रिकॉर्ड होता है, होने का संभावना भी है इस पीरियड में। और इसके साथ साथ ड्राई नॉर्थ वेस्टर्ली विंड मैंने उत्तर पश्चिम दिशा से ड्राई विंड आता है उत्तर पश्चिम भारत में, जो कि ये जो हीट कंडीशन को ज्यादा एग्रीवेट करता है, यानी जब हाई टेम्परेचर है और ड्राई विंड आ रहे हैं जिसको हम लू बोलते हैं इस एरिया में, लू की वजह से जो भी मॉइस्चर है हमारा बॉडी से वो डिहाइड्रेट हो जाता है, इसलिए बॉडी में डिहाइड्रेशन आने का बहुत संभावना हो जाता है कहाँ भी जहाँ भी हीटर कंडीशन होता है। और तीसरा बात है कि ये जो टेम्परेचर बढ़ेगा हीटर कंडीशन देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ रात का तापमान भी नॉर्मल से ज्यादा हो सकता है, मैंने वार्म नाइट रहेगा। जो स्पेशली लोग बाहर काम कर रहे हैं जो एक्सपोज है वो सभी ये तीनों प्रक्रिया में, जैसे पहला तो हो गया हीट कंडीशन हाई टेम्परेचर की वजह से, दूसरा हो गया लो कंडीशंस और तीसरा हो गया वार्म नाइट कंडीशंस, इसमें क्या है कि लोग का हेल्थ इम्पैक्टेड हो जाता है और जो प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो मोर्टेलिटी हो सकता है और मॉर्बिडिटी भी हो सकता है। हम यही प्रिकॉशन देते हैं कि लोग कूल प्लेसेस में रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए और नहीं तो जूस शरबत वगैरह लेना चाहिए, जैसे कि बड़ी ठंड रहे। जो लोग बाहर धूप में काम कर रहे हैं वो बीच में से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए जैसे कि कोई थकावट ना आए, और इसके साथ बीच में से पानी भी पीना चाहिए। और ये संभव नहीं हो पा रहे बाई चांस आपको थकावट लग रहा है तो आपको कोई चक्कर आ रहे हैं, ये ऐसे सिचुएशन में आप इमीडिएट रेस्ट लीजिए, कूल प्लेस में रहिए, बॉडी को कूल करिए। और दूसरा बात है जब कोई फेंट हो जाता है सेंसलेस हो जाता है तो इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए, और क्योंकि बॉडी टेम्परेचर तो बढ़ जाता है हीटवेव की वजह से इमीडिएट एक्शन जरूरत पड़ता है। सो ये सभी को सावधान से आप सुने और एक्शन लीजिए। और हीट एक्शन प्लान इसलिए बना हुआ है 23 यूनिट स्टेशन एंड यूनियन टेरिटरी जो हीट प्रोन एरिया है वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और सिटी लेवल पे भी हीट एक्शन प्लान बने हुए हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जरिए, इसको भी लोग यूटिलाइज करें। और दूसरा बात है ये जो इलेक्शन पीरियड है, इलेक्शन पीरियड में कहाँ कहाँ इलेक्शन भी हो सकता है, इसलिए लोग जो इलेक्शन में इन्वॉल्व है वो सभी सावधान रहना चाहिए। ओके सर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, कुछ दिनों पहले हमने मुंबई में जैसे एक डस्ट स्टॉर्म देखा, तो आईएमडी की जो लोकलाइज्ड सेंटर्स हैं सिटी वाइड जो सेंटर्स हैं उनके लिए क्या इस तरह की भी सिचुएशंस फॉरकास्ट करने में उनको उनके लिए क्या पॉसिबल है ये करना लोकलाइज्ड फॉरकास्टिंग, ताकि इस तरह का कुछ हो तो एडमिनिस्ट्रेशन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और सिटीजन्स को पहले वॉर्न किया जा सके ताकि वो घर के अंदर रहें, क्या ऐसा कुछ होता है और क्या ऐसा कुछ होने वाला है आगे जाकर, हम क्या देखने वाले हैं आईएमडी की तरफ से? जी आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किए हैं। ये जो सीजन है जैसे मार्च अप्रैल में मानसून आने से पहले और मानसून आने के टाइम पर बहुत सारे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिलता है, ये थंडरस्टॉर्म रीजन होता है कि बहुत इंटेंस हीटिंग होता है ये पीरियड में क्योंकि समर सीजन चल रहा है, और इसके साथ साथ एटमोसफेयर अनस्टेबल हो जाता है, और इसके साथ जब कोई वेदर सिस्टम डेवलप हो जाता है कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो, इसके साथ साथ ज्यादा ट्रिगरिंग प्रोसेस हो जाता है एटमोसफेयर में जिसमें लोअर एटमोसफेयर का जो मॉइस्ट एयर ऊपर जाता है तो इसके वजह से थंडरस्टॉर्म डेवलप होता है। और जो एरिया समुद्र के आसपास है इसमें ज्यादा मॉइस्चर मिल जाता है, तो इसमें यहाँ कभी कभी तो बहुत डॉट स्ट्रेचिंग विंड इमीडिएटली होता है, इसके बाद फिर बारिश हो जाता है।
जैसे आपने बॉम्बे का जिक्र किया, बॉम्बे में ऐसे हुआ है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट इस बार भी पेनिनसुलर इंडिया में, साउथ इंडिया दैट मींस और ईस्टर्न इंडिया में भी रिकॉर्ड किया गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होता ही रहता है। मैं आपको बोल के रखूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऐसे थंडरस्टॉर्म जो होता है, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, फॉलोड बाय ईस्टर्न इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में बहुत कम होता है, मगर फिर भी होता है ये ऐसे, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी होता है। सो इसको देखते हुए हम फोरकास्ट तो 5 दिन पहले बताते हैं कहाँ कहाँ थंडरस्टॉर्म हो सकता है, लाइटनिंग हो सकता है, कि डस्टर्म हो सकता है, कि हेलस्टर्म हो सकता है, और ये एक मेट्रोलॉजिकल सबडिविजन लेवल पे देते हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज देते हैं। मगर धीरे धीरे जो 2 दिन पहले हम इसको थोड़ा ज्यादा पिन पॉइंट करके बताते हैं कहाँ होने वाला है। जैसे इस केस बॉम्बे में केस में हम ऐसे बताए थे, येलो कलर वार्निंग हम दिए थे। इसके बाद जो दिन वो होने वाला है उस दिन हम हर 3 घंटे हम पूर्वानुमान जारी करते हैं, इसको हम बोलते हैं नाउकास्टिंग। नाउकास्ट का मतलब होता है कि इमीडिएटली जो ऑब्जर्व हो रहा है और जो हमारा पूर्वानुमान है इसको लेकर बताते हैं कि क्या होने वाला है, थंडरस्टॉर्म होने वाला है कि नहीं, इतना विंड होगा और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सो इसको हम ईच डिस्ट्रिक्ट के लिए जारी कर रहे हैं इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट डिफरेंट कलर कोड के साथ, और 1200 सिटीज एंड टाउन्स में भी हमारा ये पूर्वानुमान और सतर्क सूचना जारी हो रहा है, जिसको हम नाउकास्ट वार्निंग बोलते हैं। अच्छा, तो मुंबई के डस्ट स्टॉर्म के लिए नाउकास्ट वार्निंग आईएमडी ने, आईएमडी की जो लोकलाइज्ड एजेंसी है यहाँ पर, उन्होंने दिया था ये वार्निंग। हम सुबह येलो कलर का वार्निंग दिए थे कि थंडरस्टॉर्म हो सकता है एरिया में, और इसके बाद फिर हम 3 घंटे वार्निंग इशू, वार्निंग तो जस्ट होने से पहले जस्ट इशू हुआ था, और ये सभी को हम कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट मास मीडिया के साथ साथ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स एंड अथॉरिटीज को, और सोशल मीडिया में भी जानकारी हम देते हैं। सिर्फ बॉम्बे का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा इंडिया की बात कर रहा हूँ। जहाँ भी ऐसे थंडरस्टॉर्म वगैरह होता है इसको हम कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं सैटेलाइट के साथ, रडार के साथ, हमारे ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस के साथ, एवरी हाफ एन आवर ऑब्जर्वेशन है। इसको लेकर हमारे पास एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूटिलाइज करते हुए हम इसका वार्निंग जनरेट करते हैं और लोगों के पास पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी इसमें बहुत प्रमुख भूमिका ले रहे हैं कि आपको अवेयरनेस कैंपेन, बहुत सारे अवेयरनेस एजुकेशन मटेरियल भी डेवलप हुआ है, क्योंकि बस सबसे बड़ी बात है कि इस सिचुएशन में तो स्ट्रॉन्ग विंड, गस्टी विंड, स्क्वाली विंड तो होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल डैमेज होता है। दूसरा होता है कि लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग में भी लोग जो एक्सपोज है बाहर वो माने अफेक्टेड हो सकते हैं। इसलिए कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल भी डेवलप हुआ है, और कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल के जरिए में ये कोशिश हो रहा है कि लोगों के पास डायरेक्टली मोबाइल में मैसेज भी पहुंचा जाए। सो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जिसको रिसेंट ईयर्स में इंट्रोड्यूस किया गया है, लास्ट ईयर कम्युनल प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स एंड नेशनल अथॉरिटी, इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, अदर रिलेवेंट एजेंसीज इन्वॉल्व्ड है। जी सर, एक आखिरी सवाल, तो जैसा कि आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि ऑलरेडी क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं सेवरल गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू ताकि इस तरह की एक्सीडेंट्स में डैमेज मिनिमाइज हो सके आगे जाकर, और क्या किया जा सकता है फ्रॉम अ लोकल गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू या सिटीजन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जैसा कि हमने देखा इस हर साल की तरह इस साल भी डस्ट स्टॉर्म के कारण इस बार काफ़ी सारी मौत हुए, और इस तरह की घटनाएँ साउथ वेस्ट मानसून के दौरान भी अक्सर होती हैं, जहाँ बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाते हैं, लोगों की जाने चली जाती है। तो इस तरह की एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज करने के लिए और क्या किया जा सकता है? एक तो होता है कि अर्ली वार्निंग के साथ अर्ली एक्शन, ये कॉन्सेप्ट है पूरा दुनिया में, और हम यही कोशिश करते हैं। हमारा जो 3-tier डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एजेंसी है, डिस्ट्रिक्ट पर, स्टेट पर, नेशनल पर, सभी कोऑपरेट करके इसको करते हैं, और ये लॉन्ग टर्म प्लान इसमें भी होता है, इसके साथ मीडियम टर्म प्लान भी होता है, पर इमीडिएट सीजन के लिए भी प्लानिंग होता है। इसलिए क्या किया जाता है कि प्रिपेयरनेस मीटिंग भी कंडक्ट होता है और कंसर्न एजेंसी पार्टिसिपेट करते हैं, और ये मैंने एक स्टॉक रिव्यू किया जाता है कि क्या एक्शन हुआ है और क्या फर्दर एक्शन लेने वाले। इस बार भी ऐसे मीटिंग हुआ है एनडीएमए की तरफ से, और भारत मौसम विज्ञान विभाग जैसे अर्ली वार्निंग एजेंसी, हमारे भी इंटरनली हम मीटिंग करते हैं और क्या क्या एक्शन लेना है हमारे तरफ से और क्या न्यू नया इनपुट देना है इस साल के लिए और इस सीजन के लिए, ये सब तैयार करते हैं और सभी एजेंसी को हम बताते हैं।
और दूसरा बात होता है कि प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन मेजर्स। प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन मेजर्स तो इसके लिए बहुत सारे गाइडलाइंस है और SOPs है, और ये हमारा मैंने एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आते हैं, तो इसको भी लोग सावधान से कार्यक्रम लेना चाहिए। थैंक यू सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हम उसके लिए आपके बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग NDTV हिंदी। स्टे ट्यून्ड।